उसके बाद है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। अब इसके बारे में क्या है, प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट कैसे निकाला गया। देखो, श्री दादा भाई नौरोजी 1867-68 में इन्होंने सबसिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन रैगिंग फ्रॉम 16 रुपए से 35 रुपए से नीचे जिसकी इनकम है तो वो पुअर में है, ठीक है, वो पॉवर्टी में। उसके बाद नेशनल प्लानिंग का कमेटी जो बैठाई 1938 में, इट रिगार्डेड एन ए ना क्या ये रिरेड्यूसेबल मिनिमम इनकम बिटवीन 15 से 25 रुपए पर कैपिटा पर मंथ एट ए प्री वॉर प्राइस। चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के, जवाहरलाल नेहरू। मतलब इस कमेटी ने जो रेट दिया कि भाई इससे नीचे अगर जो कमा रहा है, मतलब 15 से 25 रुपए तक से नीचे जो कमा रहा है वो पॉवर्टी में आएगा, ठीक है, जो पुअर कहलाएगा। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रात कमेटी आई 1971 में। इन्होंने किस बेसिस पे बताया, इन्होंने बताया कैलोरी के बेसिस पे। कैसे, इफ फिक्स 2250 कैलोरी इनटेक एज मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पर कैपिटा पर डे। अगर कोई इतना कमाता है कि ये जो अमाउंट ऑफ कैलोरी है ये अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। उसके बाद इट एस्टिमेट पॉवर्टी एज फॉलोइंग, रूरल एरिया में 40%, अर्बन एरिया में 50%। उसके बाद एक और कमेटी आती है, वीके अलघा टास्क फोर्स 1973 से 1974 में। इसने क्या बोला, फॉर रूरल एरिया कैलरी इनटेक, जो रूरल एरिया की कैलरी बताई इन्होंने 2400 पर कैपिटा पर डे, ठीक है, अगर उससे कम कमाता है तो भैया वो पॉवर्टी में पुअर कहलाएगा। और गांव में जो अर्बन एरिया है, नहीं जो अर्बन में बताई इन्होंने, रूरल में बताई कितनी, इतनी 2400, और अर्बन में बताई 2100, एरिया वाज फिक्स टू एस्टिमेट पॉवर्टी, अगर उससे नीचे है तो वो पॉवर्टी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। द लॉजिक यूज वाज दैट रूरल पीपल डू मोर फिजिकली वर्क, ठीक है, गांव के आदमी, देन अर्बन काउंटर पार्ट, ये बात बोलेगी यहाँ पे। उसके बाद आई डीटी लड़े वाला लकड़े वाला कमेटी 1993 में। इसने क्या बोला गया, इसने भी यही बात बोली जो पिछले वाली कमेटी में, सेम इन्होंने उठाई, जो 2400 कैलरी है वो ठीक है और 2100 अर्बन के लिए, ये रूरल के लिए। लेकिन इन्होंने एक बात और ऐड कर दी, URP वाज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा, ठीक है। उसके बाद दिस कमेटी रिकमेंड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन। अब भाई हर स्टेट की पॉवर्टी अलग है ना, हर स्टेट में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इनकम है उनकी वो अलग है, तो पॉपुलेशन का भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया हो गया, लोगों की अर्निंग कितनी हो गई, तो उसके हिसाब से तो स्टेट की पॉवर्टी भी इन्होंने रिकमेंड की। उसके बाद फॉर अपडेटिंग इट रिकमेंडेड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आई थिंक एग्रीकल्चर लेबर और रूरल एरिया में इन द अर्बन एरिया, ये बात बोली गई। मतलब क्या कि जो ये यूज की गई ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इंडस्ट्री में जो काम करने वाला लेबर है उसके लिए वर्कर, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर में, तो ये बात होगी। उसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में। इट अडोप्टेड द ऑफिशली मेजर्ड अर्बन पॉवर्टी लाइन इन 2004 से 2005 बेस ऑन द लाखे वाला मेथोडोलॉजी एंड कन्वर्टेड दिस पॉवर्टी लाइन फ्रॉम URP इंटू MRP कंजम्पशन। पॉवर्टी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी वाज 37.2%, विच वाज मच मोर देन पॉवर्टी एस्टिमेट ऑफ द NSSO 61st राउंड ऑफ द एट द टाइम ऑफ इज दैट 21.8%। अब ये इसका क्या बात बोली गई, इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने क्या किया, देखो हम जब ऊपर वाली जो कमेटी थी उसमें क्या कर रहे थे, जो अर्बन की अलग रूरल की अलग अलग निकाल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया दोनों को मर्ज कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पॉवर्टी लाइन है फ्रॉम URP से इन्होंने MRP कंजम्पशन के ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर फोकस किया, उस पर आ गए। उसके बाद मतलब URP में आपको ने पढ़ा होगा पीछे कि 30 डे पे कैलकुलेट कर रहे थे, और जो MRP था उसमें 30 डे पे कुछ जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो आइटम चाहिए थे उनका, और 365 के लिए जो थे उनका, तो इनके ऊपर इन्होंने कंजम्पशन के ऊपर इसके ऊपर ट्रांसफर हुए MRP पे। उसके बाद इन्होंने एक और सबसे इम्पोर्टेंट ऐड की कि जो हेल्थ और एजुकेशन है वह उनको भी इसमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर में ऐड किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जो रंगराजन कमेटी 2014 में आई, इन्होंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है,
इनका मेथड क्या था, यूज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी सेपरेटली, अलग अलग इन्होंने बात बोली, अलग अलग, सिमिलर टू लकड़े वाला कमेटी जो हमने पहले पढ़ी, बट अनलाइक तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, इन्होंने अलग अलग कैलकुलेट करने की बात कही, उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा उसकी साइड में ये गए। उसके बाद टुक इनटू अकाउंट बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब क्या कि इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और वाटर इन आइटम पे भी इनको ऐड किया, इन पे ध्यान दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया, MMRP वाला मेथड यूज इंस्टेड ऑफ MRP। उसके बाद पॉवर्टी वाज बेस्ड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑफ फाइव एंड नॉट इंक्लूडिंग एज इन द केस ऑफ तेंदुलकर कमेटी। ऑल थ्री इज दैट कैलरी, प्रोटीन, फैट इनटेक वैल्यू वर टेकन इन टू अकाउंट ऑफ एस्टिमेट पॉवर्टी निकालने के लिए, ठीक है। अभी इसमें बात की गई फैमिली के जो खर्चे हैं जो, ठीक है, ना कि एक इंडिविजुअल पे कितने भाई उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इस पे बात की गई फैमिली को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, कितनी उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चीज होनी चाहिए, वो बात की गई। अब खाने में इन्होंने क्या बात की कि भी कैलरी, पहले बात की सिर्फ कैलरी पे जो रिपोर्ट आती थी वो कैलरी पे, लेकिन कैलरी के साथ साथ प्रोटीन, फैट इन सब में भी ऐड किया गया, ठीक है, ये भी ऐड किया गया। अगर वो इस कमेटी में इन्होंने बोला कि अगर कैलरी के साथ अगर वो प्रोटीन नहीं ले रहा है तो वो पुअर है, पुअर उसमें आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें तीनों चारों, ये जो भी तीनों चीज़ें अगर वो टेक कर रहा है तो वो पुअर नहीं कहलाएगा, ये बात बोलेगी रंगराजन कमेटी में, सिंपल सी भाषा में। उसके बाद आता है SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स। इसमें क्या था, देखो जब BPL आपने सुना होगा, BPL कार्ड जो बनता है, अब BPL का जो क्राइटेरिया है भाई, जो गवर्नमेंट स्कीम लेने का जो भी है, तो उसकी जगह इसको लेके आया गया, ठीक है, इसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब जो इसका जो डाटा होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम्स या जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। इसमें क्या बात बोली गई, इसकी थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज कमेंस्ड SECC 2011 में थ्रू ए कम्प्रीहेंसिव डोर टू डोर एनुरमेशन अक्रॉस द कंट्री एंड इट वॉज रिलीज इन 2015। मतलब ये फर्स्ट टाइम पेपरलेस यूज किया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई फोन पे, टैबलेट से, लैपटॉप से डाटा कलेक्ट किया गया है कि भाई फोन करके या पूछ के जैसे भी है जो इनका प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या था, SSC डाटा विल यूज द प्रोग्राम। अब इन्होंने क्या किया, जो हाउस होल्ड था ना कि भाई जो एक फैमिली के लिए उसके भी क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या होना चाहिए उनके पास, रोटी कपड़ा मकान में, क्या वो सब चीज़ें इसके फुलफिल हो रही थी, तो वो चीज़ देखी गई भाई कपड़ा। इसमें क्या किया है, एक इंडिविजुअल की जगह पे, मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं, पूरे फैमिली की जो कंडीशन है वो देखी गई। उसके बाद क्या है, SECC डाटा विल बी यूज इन प्रोग्रामर सच एज मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ATC। इट इज़ ऑल्सो बी यूज फॉर जैम ट्रिनिटी। अब ये क्या बात हुई, मतलब क्या बोला गया इसमें, जो इसका जो SECC का डाटा है ना, ये इन जो भी प्रोग्राम है या स्कीम्स हैं इनमें यूज किया जाता है। उसके बाद SECC डाटा विल बी यूज इन स्टेट गवर्नमेंट भी यूज करती है टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ BPL फैमिलीज, ये बात हो गई। उसके बाद क्या, पैरामीटर ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ द बेसिस ऑफ 14 पैरामीटर। इसमें क्या बात बोली गई कि कुछ फैमिली का जो क्राइटेरिया वो देखा गया कि भाई ये वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वो पॉवर्टी में नहीं है। जो कुछ बेसिक पैरामीटर है, जो कुछ देखा गया, जो 5 पैरामीटर हैं उनके हिसाब से डिसाइड किया गया कि हाँ ये पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं। तो ये कुछ 7 क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे बताया गया, ये बात बोलेगी। के बाद है अमृत्या सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। अब इसमें क्या है, अमृत्या सेन थ्रू दिस कैपेबिलिटी अप्रोच वॉन्टेड एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एनहेंसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी सो दैट दे कैन लिव काइंड ऑफ लिविंग एंड दे वैल्यू। अब इसका क्या मतलब, ऐसी बात इन्होंने ये बोली कि लोगों को आप पढ़ाओ, उनका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा करो, उनको एजुकेशन दो, तो वो अपने आप, उनकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ेगी, तो इनकम भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो उनकी लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली अच्छे रहेंगे, वो अच्छे से बढ़ेंगे, तो ये बात बोलेगी इन्होंने। उसके बाद आता है यूनिवर्सल बेस इनकम। अब ये क्या है,
यूनिवर्सल बेस इनकम मेथड, ये क्या है? इट वुड बी एन अनकंडीशनल कैश पेमेंट गिवन टू ऑल सिटीजन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क। अब ये क्या, इसका मतलब यही है, सिंपल सी बात बोली गई इसमें कि गवर्नमेंट आप इतना लोगों को बेसिक पैसा दीजिए, कैश पेमेंट दीजिए कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे, लेकिन भाई जो कास्ट हैं, बीपीएल हैं, जो भी हर चीज़ हैं वो सारे एक हो जाए, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन मतलब क्या था कि ये अनकंडीशनल था। द आइडिया इज़ बेस्ड ऑन प्रीमिस दैट जस्ट सोसाइटी नीड टू ग्रांट गारंटी टू ईच इंडिविजुअल एंड मिनिमम इनकम विच दे कैन काउंट ऑन द प्रोवाइड ऑफ नेसेसरी मटेरियल फाउंडेशन ऑफ फॉर लाइफ विद एक्सेस ऑफ बेसिक गुड्स लाइफ डिग्निटी। मतलब कि आप एक जो मिनिमम अमाउंट जो सबके अकाउंट में भेज दीजिए ताकि जो सबका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे। मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम है अलग अलग कास्ट अलग अलग कैटेगरी जो पॉवर्टी है बीपीएल है उनके लिए, तो वो सब खत्म हो जाएंगी, सब बस एक आप पैसा भेज दो सबके अकाउंट में और बस बात खत्म। इसकी तीन कंडीशन थी कि भाई सभी लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, यूनिवर्सलिटी, ऑल सिटीजन इंक्लूडेड, अनकंडीशनली, नो पीरियड, कोई कंडीशन नहीं कि भाई आप के पास इतना पैसा है, आप अमीर हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप क्यों ले रहे हो स्कीम, तो वो चीज़ें नहीं, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी, एजेंसी, मतलब कैश ट्रांसफर डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल अकाउंट, ये बात बोली गई इसमें।